तो रिकॉर्ड करेंगे। ऑटोमेटिक ओड़ा नहीं, रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हुए नहीं। एक्चुअली उसको जानबूझ के मैंने नहीं किया है, क्योंकि फिर हाँ नहीं वो है, बट आई डोंट डू ना उसको क्या है। वो तुम लोग आते हो 5-7 मिनट बाद, तो वो जो पहला रिकॉर्ड, आई डोंट हैव ए वीडियो एडिटर, तो इसलिए वट एवर इज रिकॉर्डेड आई अपलोड। इसलिए तुम गाली जो खा रहे हो वो भी उधर रिकॉर्डेड होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जिसके पास वीडियो एडिटर है वो लोग उसको काट छाट के अच्छा करके भेजते हैं। बट यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेजेस, एवरीथिंग इज नेचुरल। ओके, जो है सो है। गाली दिया हूं तो दिया हूं, तुम पढ़ेगा नहीं तो गाली नहीं, क्या तुमको क्या मेडल दूंगा। चलिए सो देखिए इतना, ये आपका देख रहे, ये एक फोटो है एंड आपका जो क्या जो एनसीईआरटी एक फोटो है। सो नाउ ये आपका एग्जैक्ट, यू सी व्हाट इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ दिस डायग्राम। तो यू नो कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस डायग्राम। तो जो दिखाना है उसको फोरग्राउंड, एक्चुअली ऑलवेज रिमेम्बर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जैसे बहुत समय मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे गाधे पूछेंगे सर बॉहिरे दैजिस नेडेरियन मेम्ब्रेन सुपीरियर नाजल कौन का है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे आ गया। अरे बुक में दिया गया तो मैं भी वही गलती करूं, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए यहां भी आप क्या देख रहे हो, जो टॉपिक है हमारा वो रेड कलर का है या कलर डायग्राम है, सो दैट इज कॉल्ड फोरग्राउंड। एंड जो साइड टॉपिक्स है बट विच एग्जिस्ट, सो दैट इज इन ब्लैक, सो दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। अंडरस्टूड। तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो इसलिए वो फोरग्राउंड है। आप ये ब्लैडर देखो उसी के पास है, बट ये आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट है। अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए सो नाउ दिस डायग्राम इज वेरी क्लियरली टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, एवरीबडी शुड नो डिटेल्स। नाउ ओके सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द एक्चुअली कटा हुआ है, ये सैजिटल सेक्शन है, ये आपका मिड लाइन से काटा हुआ है। तो इसीलिए ये जो एकदम आउटर मोस्ट जो है, सो दिस इज द आउटर लिप्स ऑफ वल्वा, दिस इज कॉल्ड द लेबिया मेजोरा। उसके बाद आ जाएगा इनर लिप्स, ठीक है। एंड ये जो पूरा प्लेन आप देख रहे हो, दिस एंटायर प्लेन इज एक्चुअली कॉल्ड द जेनाइटल वेस्टिब्यूल। कहीं लिखा है कि नहीं, नहीं तो हम लिखेंगे। सो दिस होल लाइन, ये पूरा जो लाइन मीन्स वंस यू रिमूव दिस टू लिप्स, वॉट एवर इज विजिबल दैट इज कॉल्ड द जेनाइटल वेस्टिब्यूल। ओके सो ये आया है जेनाइटल वेस्टिब्यूल, तो उसको हम लोग दिखा देंगे इस तरह से एरो बना के। ओके सो ये आपका जेनाइटल वेस्टिब्यूल हो गया। फाइन, दिस होल थिंग, नॉट ओनली दिस एक्चुअली प्लीज रिमेम्बर, ये सिर्फ इस बैरियर के बारे में नहीं है, ये नहीं सारा ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर, एनी थिंग वॉट इज विजिबल दैट इज कॉल्ड द जेनाइटल वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज जेनाइटल वेस्टिब्यूल कहलाता है। नाउ अब यहाँ आप दो ओपनिंग्स देख रहे हैं। ओके तो एक ओपनिंग ये है, सो दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रा, एंड एक ओपनिंग ये है, सो दिस इज कॉल्ड द वेजाइना, एंड एक और ओपनिंग पीछे है, सो दिस इज कॉल्ड द एनस। तो अलग देख रहे हो, तो ये एनल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, ये यूरेथ्रा दिखा रहा है, उसका ओपनिंग नहीं दिखा रहा है। सो हियर ऑल्सो वी कैन राइट द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है, सो वी विल क्रिएट ए लाइन, ठीक है जी। तो वी विल क्रिएट दिस लाइन, तो दिस इज योर यूरेथ्रल ओपनिंग। अंडरस्टूड। नाउ ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ओके बिटवीन दिस, आई टोल्ड यू ना, दिस इज अ फोल्ड ऑफ स्किन व्हिच कनेक्ट्स द वेजाइना एंड द एनस। तो दैट फोल्ड ऑफ स्किन, यस, व्हिच कनेक्ट्स द वेजाइना एंड एनस, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज पेरिनियम। पेरिनियम, यस, कभी कभी इसका जरूरत पड़ता है, क्या है, सपोज हम लोग एक डिलीवरी कर रहे हैं एंड बच्चा ज्यादा बड़ा है साइज में एंड वो ठीक से निकल नहीं रहा, तो इसको काट देते हैं, तो पेरिनियम कट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ओके सो दैट ओपनिंग बड़ा हो जाता
एंड आफ्टर द डिलीवरी उसको वापस स्टिच कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द पेरिनियम. फाइन, सो ये आपका पेरिनियम है. नाउ दिस इज द, आप समझ रहे हो वेजाइना किसको कहते हैं, तो दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग. एंड ये जो पार्ट है इसको ये लोग वेजाइना बोल रहे हैं ऑलवेज. सो दिस इज एक्चुअली द वेजाइनल कैनाल. ठीक है, तो ये एक्चुअली वेजाइनल कैनाल है. एंड दिस इज द यूरेथ्रल कैनाल है, यूरेथ्रा. एंड ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में. नाउ अब ये जो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स. ओके, एंड ये पीछे उसका रेक्टम है. फाइन, सो एंड दिस इज द इंटेस्टाइन एंड सो ऑन. सो दिस इज द यूट्रस. तो देख रहे हो, तो यूट्रस इज अ ब्यूटिफुल ऑर्गन बिकॉज इट इज द ऑर्गन दैट एनलार्जेस द मैक्सिमम. ओके, इट इज द ऑर्गन दैट एनलार्जेस द मैक्सिमम इन. तो अभी जैसे एक वर्जिन फीमेल में यूट्रस कितना बड़ा होता है, एक एप्पल जैसा होगा. बट जब आप फुल टर्म प्रेगनेंसी होगा तो वो बच्चा जाके आपके लंग्स को भी धकेल के ऊपर चला गया होगा. तो अंडरस्टैंड, सो इट विल ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम. ठीक है, सो आई थिंक रेस्ट ऑल थिंग्स आर क्लियर. नाउ अगर इसको हम लोग देखें, इसने दिखाया नहीं है, तो एंडोमेट्रियम दिखा रहा है सपोज. सो ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोमेट्रियम है. ठीक है, तो दिस इज द एंडोमेट्रियम एंड दिस स्ट्रक्चर इज द मायोमेट्रियम. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मसल लेयर कहते हैं मायोमेट्रियम. एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलेंगे. सो दिस इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. फाइन, सो ये उसका फोटोग्राफ है. एंड दिस इज द फेलोपियन ट्यूब होल्डिंग द ओवरी एटसेट्रा एटसेट्रा. चलिए, सो दिए एक शॉट है, सो विल ट्राई टू गो फॉर अनदर शॉट. तो देखा जाए और कुछ शॉट आपके लिए है. सो दीज आर सिंपलर डायग्राम्स. यस, ये एक अच्छा सा लोकेशन व्यू है विच आई वुड लाइक टू शो यू नाउ बिकॉज यू नो यू शुड हैव क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट द लोकेशन. तो देख रही है, तो ये आपका लोकेशन है. तो टेक्निकली वी वर रॉन्ग एक्चुअली. इधर अगर आप देख रहे हो तो ये आपका क्या है, दिस इज द पोजिशनिंग ऑफ द ओवरीज इन द यूट्रस. तो सबसे पीछे कौन है, तो एक्चुअली आई वॉज मैं बता रहा था ना कि वो डॉर्सल, तो डॉर्सल नहीं है एक्चुअली, वो वेंट्रल है क्योंकि शायद इधर है, ये पूरा विसरा है. ओके, सो ये आपका क्या है, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज द पेल्विक बोन्स, ये आपका ब्लैडर है एंड दिस इज द ओवरीज. तो बेसिकली, तो फिर ओवरी का लोकेशन क्या हो गया, एंटेरियर हो गया, नॉट पोस्टेरियर. तो वी विल राइट हियर. ओके, सो ये आपका पोस्टेरियर या डॉर्सल साइड है. ठीक है, तो दिस इज द पोस्टेरियर या डॉर्सल साइड. ये जो है एंटेरियर या वेंट्रल साइड है. सो दिस इज द एंटेरियर और वेंट्रल साइड. फाइन, सो ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ओवरी बता रहा है एंड यूट्रस एंड दिस आर द फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज. तो ये जो पैकेट है इसमें आपका विसरा रहता है, डाइजेस्टिव विसरा. क्लियर, सो वी विल दिस इज व्हाट सुपीरियर व्यू. ये आपका ऊपर से हम लोग देख रहे हैं. सो ये आपका हो गया सुपीरियर व्यू. क्लियर ऑफ द डायग्राम. चलिए, सो ये एक डायग्राम हो गया हमारा. Now we'll try to go to another diagram. Actually, I want to go into the details of the uterus. इसमें ज्यादा क्लियर दिया है, यहां भी दिया है बट उतना क्लियर दिया नहीं है. चलिए, ये एक सुंदर सा डायग्राम है. सो बट ये ओवरी है, थोड़ा बाद में हम डिस्कस करते हैं अगर यूट्रस मिल गया तो. ओके, लेट मी सी इफ आई एम गेटिंग द यूट्रस. दिस इज नॉट क्लियर.
उतना साफ कोई भी डायग्राम नहीं है जो डिटेल ऑफ यूट्रस बता रहा हो। द क्लोजेस्ट वन इज दिस ओनली, तो इसीलिए ये सबसे क्लोजेस्ट है। तो आप इसको अगर हम लोग ध्यान में दें, दिस वन इज द क्लोजेस्ट, एक्चुअली उससे कोई क्लोज ज्यादा है नहीं। तो अगर हम लोग इसको दोबारा गौर से देखें, फाइन, सो लेट अस लुक एट इट मोर क्लियरली। सो ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, सो दिस इज कॉल्ड द पेरिमेट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम। ना एंडोमेट्रियम में दो लेयर्स होता है, एक पीछे होता है, ओके, दैट इज द बेसल लेयर, फाइन, इट इज ऑन द टूवर्ड्स द मायोमेट्रियम, ठीक है। एक लेयर जो है वो टूवर्ड्स द मायोमेट्रियम होगा एंड एक लेयर सुपरफिशियल होगा। सो हम कह सकते हैं कि सिंस ये लड़की मैंने प्रेग्नेंट नहीं है तो एंडोमेट्रियम उतना साफ दिख नहीं रहा, ओके। सो ये जो टू लेयर्स है, ये बेसलिस लेयर है एंड ये फंक्शनलिस लेयर है। तो इसलिए इसको फंक्शनलिस्ट हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रैटम बेसलिस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ये आपका टोटिपोटेंट लेयर होता है। मतलब जब तक ये लेयर ठीक ठाक है तब तक आपका फंक्शनलिस्ट बनता रहेगा। अगर किसी कारणवश ये लेयर गड़बड़ा दिए तो आपका फंक्शनलिस्ट और नहीं बनेगा। सो दैट इज एट ऑल कॉस्ट दी बेसलिस लेयर शुड बी मेंटेन, ओके। सो दिस इज द केस। आप ये जो लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटम फंक्शनलिस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये फंक्शनल लेयर है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग फंक्शनल लेयर बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये आपका हो गया तो डायग्राम्स, बाकी तो हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। सो नाउ वी विल गो टू दी ओवरी डायग्राम, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा ओवरी का डायग्राम देख लेते हैं ना। ओवरी इज अ ब्यूटिफुल टॉपिक टू स्टडी। उसमें आप देखोगे, देखो ये एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओवरी है, ओके। तो इसको हम लोग देखते हैं, ओके। तो ये आपका बेसिक ओवरी है, फाइन। तो व्हाट आर यू सीइंग इन दिस, इसमें आप देख रहे हैं क्या, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल, ओके। ये फॉलिकल आपके डिफरेंट स्टेजेस में है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ऑल। ये आपका ओवम है, ओव्यूलेशन हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम है एंड ये कॉर्पस एल्बिकेंस है, ठीक है। सो हाँ, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ओके। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सो वी विल टेक अ शॉर्ट, इसको हम एलैबोरेट नहीं करेंगे। ये डायग्राम कुछ ज्यादा एलैबोरेट है कि नहीं, तो इसको थोड़ा हम ज्यादा जिक्र में लाएंगे। दिस डायग्राम इज हैविंग मोर डाटा, फाइन। चलिए, सो नाउ लेट्स बॉक्स इट एंड स्टडी इट। सो ऑलवेज बॉक्सिंग कर देने से क्या है, हमारा फोकस जो है उस टॉपिक पे आ जाता है एंड हमको इधर उधर नजरें नहीं जाती हैं, बिकॉज देखने को तो हजार चीज देखने को है। सो नाउ ये आप देख रहे हो, तो ये जो सबसे बाहर वाला कंसेप्ट है, सो ये आपका मेसोबैरियम है, वन ऑफ दी लिगामेंट्स जो होल्ड करता है ओवरी को, एंड दीज आर द ब्लड सप्लाई। तो ये जो आउटर मोस्ट जोन आप देख रहे हो, तो ये जो आउटर मोस्ट जोन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स इज रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल एंड ये जो बीच वाला जोन है, सो दैट इज कॉल्ड द मेड्यूला, ओके। तो ये आपका मेड्यूला है, द मिडिल पार्ट। नाउ ये जो कॉर्टेक्स है, इसमें आप अलग अलग स्टेजेस ऑफ फॉलिकल पाएंगे। सो ये आपका क्या हो रहा है, सो ये आपका ओव्यूलेटेड सेकेंडरी ओसाइट है, मतलब ये ओवम है आपका, ठीक है। एंड ये जो बच गया, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ ब्लड फिल्ड कैविटी कॉल्ड कॉर्पस हिमोरेजिकम। नो नो, कॉर्पस हिमोरेजिकम। ये सब चीज आप बुक्स में नहीं पाते हो ना, इसलिए आपको पता नहीं होता है। तो ये कॉर्पस हिमोरेजिकम है,
ना ये है कॉर्पस, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, ये फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम है, अंडरस्टूड? एंड धीरे धीरे ये एक स्कार बन के रह जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस एल्बिकेंस. ठीक है, तो ये जो स्कार जैसा या जो दाग जैसा है, दिस इज डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस एल्बिकेंस. आउट ऑफ देम, ये आपका जो आउटर मोस्ट कनेक्टेड टिश्यू लेयर है, तो हम लोग फॉलिकल्स को नंबरिंग करके देखेंगे. यही प्रॉब्लम है कि हर चीज वो लोग दिखाते नहीं है. तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स है, जो फर्स्ट फॉलिकल्स. ओके, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल हो गया. इसको हम लोग लेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ये वाला. सो दिस स्ट्रक्चर, इसको वी विल कॉल इट सेकेंडरी फॉलिकल. ओके, सो दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल. ओके, नाउ ये जो स्ट्रक्चरल फॉलिकल है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये दिस वन. नाउ कैसे आप पहचानोगे? इसमें कोई भी एंट्रल कैविटीज नहीं होगा. तो जैसे ये एंट्रल कैविटीज आने लग जाता है, इसको एंट्रल फॉलिकल बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल. ओके, फॉलिकल. सो ये आपका टर्शियरी फॉलिकल है. नाउ अब ये जो आपका रेडी टू शूट है, सो दिस इज कॉल्ड द क्वार्टरनरी फॉलिकल. ओके, क्वार्टरनरी फॉलिकल एंड कॉमा आफ्टर LH स्टिम्यूलेशन इट बिकम्स क्या? ग्राफियन फॉलिकल. समझ रहे हो? तो इससे स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं है. तो स्ट्रक्चरली क्वार्टरनरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल में कोई खास फर्क नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज दैट क्या, द ओनली डिफरेंस इज दैट इट हैज क्या, तो इट इज स्टिमुलेटेड बाय योर LH. तो एक बार LH ने इसको एक्टिवेट कर दिया, तो यही क्वार्टरनरी फॉलिकल फिर बन जाता है क्या, ये बन जाता है आपका ग्राफियन फॉलिकल. समझ रहे हो? सो ये आपके अलग अलग स्टेजेस ऑफ फॉलिकल है. नाउ फॉलिकल क्या है वो भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा. ये डायग्राम में एक और चीज क्लियर नहीं दिखाया है, दैट इज कॉल्ड द थीका फॉलिकल. देखो कि कितना अच्छा डायग्राम है, पर काम का मेन चीज नहीं दिखाया है. ओके, सो व्हाट इज द मेन जॉब? तो इधर आपको थीका फॉलिकुली दिख जाना चाहिए था. सो देख रहे हो, तो इधर भी आपका थीका फॉलिकुली दिख जाना चाहिए था, राइट? सो ये आपका थीका फॉलिकुली है. नाउ इस केस में थीका का दो लेयर होना चाहिए, द थीका एक्सटर्ना एंड द थीका इंटरना. समझ रहे हो? तो इसलिए इसमें थीका का दो लेयर होना चाहिए कायदे से, नॉट ए सिंगल लेयर, फाइन? तो ये आपका हो गया एक्चुअली थीका एक्सटर्ना इंटरना. सेम केस इधर भी होगा. ओके, सो आप देखो कि वो लोग इतना सुंदर डायग्राम बनाए, बट उन्होंने, इसीलिए टीचर का इम्पोर्टेंस कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिव बट नॉट कंसेप्चुअल. समझ रहे हो? तो ये आपका सपोज थीका एक्सटर्ना है, एंड हम एक ब्लैक कलर का बनाएंगे थीका इंटरना. तो सपोज अब इसको हम पकड़ के इधर लाते हैं, फाइन. सो ये आपका अंदर दिखाएंगे. सो ये आपका थीका क्या है? दिस इज द थीका इंटरना. तो इसीलिए ये बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि फॉलिकल को खिलाएगा पिलाएगा कौन? तो दिस इज द थीका फॉलिकल. अब आ गया मजा. तो सेम थिंग इधर भी बनना चाहिए, बट अब उसको मैनुअली बनाना पड़ेगा. चलिए, तो अब आई कैन नॉट यूज एनी सर्कल एंड ऑल. चलिए, सो ये डायग्राम हम लोग सेव कर देंगे फॉर योर यूज. ओके, साइड साइड रे तो कौन अच्छा कोड़ा ये जो क्वार्टरनरी फॉलिकल साइड साइड भी छोटे छोटे होते हैं, मैंने भी प्राइमरी फॉलिकल. हां हां भाई, उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है ना, जो जिधर है वो उधर डेवलप करता है. सपोज तू जोड़ी हो चुका, वो घूमते फिरते डेवलप करोगे क्या? आप सपोज धीरे धीरे ये बड़ा होगा तो ये क्वार्टरनरी बन जाएगा, है कि नहीं? तो लाइक दैट.
तो हर फॉलिकल हर जगह होता है, सो दैट इज वाई भगवान ने आपको फिम्ब्रिएटेड एंड दिया है। फैलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिएटेड एंड का मकसद क्या है? ढूंढो वेयर इज द ओवम। तो वो पूरा एकदम जीरोक्स मशीन जिसे स्कैनिंग करता है, अच्छा यहां से आएगा तो वो उसके बाहर एक वैक्यूम क्लीनर जैसा खड़ा हो जाता है, तो जैसे अंडा निकलेगा करके वो सक करके अंदर ले आता है, समझ रहे हो? तो व्हाई यू हैव अ फैलोपियन ट्यूब फिम्ब्रिएटेड एंड, इट इज स्कैनिंग द एंटायर ओवरी। तो इसलिए जहां से उसे लगा कि यहां से अंडा निकलेगा ये उसके पास चला जाता है, ठीक है जी? सो लाइक दैट हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सो नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल्स। नाउ अब अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस मीटिंग, तुम्हारे गलती के चक्कर में चालू जी रिकॉर्डिंग। अच्छा चलो, अभिषेक का किडनी सूख जाता है। चलिए, सो नाउ लेट अस डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इसलिए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली क्या। तो फर्स्ट हम लोग, आज इतना टाइम तो है नहीं, हम लोग बाहर से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जेनाइटल क्या ट्रैक्ट। ओके, सो वी विल डिस्कस द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड विथ टाइम हम लोग ओवरी की तरफ जाएंगे। ओवरी बहुत बड़ा लेक्चर है, तो ना फर्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे जेनाइटल ट्रैक्ट, एंड वी विल स्टार्ट द जेनाइटल ट्रैक्ट फ्रॉम द आउटर साइड। So, इसीलिए द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वल्वा या पुडेंडम। चलिए, सो उसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड वल्वा या पुडेंडम, या दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल जेनाइटल्स। नाउ अगेन इसमें दिस इज, तो उसमें हम लोग लिख लेंगे द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्या लेबिया मेजोरा और आउटर लिप्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग आउटर लिप्स कहते हैं, द लेबिया मेजोरा और आउटर लिप्स फुल स्टॉप। इट इज होमोलोगस टू स्क्रॉटम। ओके, याद रखेंगे तो ऑफ मेल्स, तो ये होमोलोगस टू स्क्रॉटम है। नेक्स्ट पॉइंट, द आउटर लिप्स, ओके द आउटर लिप्स हैज hairs, comma, oil and sweat glands. इसलिए the outer lips में आपके hairs भी होंगे, oil and sweat glands भी होंगे, full stop. The union of both the lips, okay, the union of both the lips close to the perineal, okay, the union of both the lips, okay, both the lips lies, वो कौन सा साइड हो जाएगा? वो आपका posterior साइड हो जाएगा, lies posteriorly, okay, lies posteriorly, okay, lips, the union of both the lips lies posteriorly close to the perineum, है कि नहीं? तो ये perineum के पास होता है, full stop. The anterior side, okay, the anterior side forms a large padded structure.
स्ट्रक्चर रिच इन फैट्स ओवर द प्यूबिस बोन. Okay, so the anterior side forms a large padded structure rich in fats over the pubis bone. Okay, it is known as mons. Okay, it is known as mons pubis. Okay, it is rich in pubic hairs. एंड सिंस ये आउटर लिप्स है तो उसमें ऑयल ग्लैंड भी होगा एंड फैट ग्लैंड भी होगा. ठीक है, सो ये आपका जो आउटर लिप्स का स्ट्रक्चर है. नाउ उसके बाद द इनर लिप्स, जैसे आप आउटर लिप्स को स्प्रेड करेंगे, द इनर लिप्स इज रेफर्ड टू एज द क्या, लेबिया माइनोरा. ठीक है, फुल स्टॉप. इट हैज नो हेयर्स बट इट हैज स्वेट ग्लैंड्स. ओके, इसमें आपका स्वेट ग्लैंड जरूर होता है. ठीक है, इट हैज नो हेयर्स बट इट हैज स्वेट ग्लैंड्स. तापरे एज बोथ द लिप्स आर सेपरेटेड, ओके, द genital vestibule is visible. Okay, it shows two openings. Okay, ये आपको दो openings दिखाता है. तो it shows two openings. Now जो सामने वाला है, anterior two openings. ओके, ब्रैकेट में ए, तो एंटेरियर इज इक्वल टू यूरेथ्रा. ओके, यूरेथ्रा कॉमा ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर दैट ब्रिंग्स यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर. ठीक है, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग होता है. एंड नंबर बी होची पोस्टेरियर, जो पीछे की तरफ होगा, सो दैट इज कॉल्ड द वेजाइना. ओके, नाउ इट हैज ए लार्जर डायामीटर एज विथ रेस्पेक्ट टू यूरेथ्रा. तो अगर यूरेथ्रा देख लो तो उसके कंपैरिजन में लार्जर डायामीटर होता है. Now, तो यहां हम एक रेड पॉइंट लिख लेंगे नोट. सो नोट, अर्लियर उसके बाद हम लोग लिखेंगे द वेजाइनल ओपनिंग इज गार्डेड बाय ए थिन perforated membrane known as the hymen. Okay, the vaginal opening is guarded by a thin perforated opening known as hymen, which allows the menses to pass out, but is an evidence of not having any insertions. So हम लोग न्यूट्रली लिख देंगे कि कोई इंसर्शन इसमें नहीं हुआ है, चाहे वो आप टैम्पन का इंसर्शन बोलो या फिर आप पेनिस का इंसर्शन बोलो, तो इसमें कोई इंसर्शन नहीं हुआ है. ओके, नाउ अर्लियर इट्स प्रेजेंस वाज आइडेंटिफाइड एज ए मार्कर फॉर वर्जिनिटी. ओके, अर्लियर इट्स प्रेजेंस वाज आइडेंटिफाइड
एज ए मार्कर फॉर वर्जिनिटी, बट नाउ अ डेज, बट नाउ अ डेज ड्यू टू एक्टिव लाइफ स्टाइल मैनी वर्जिन फीमेल्स मे हैव रप्चर्ड हाइमेन एंड मैनी लेडीज मे हैव हाइमेन इवन आफ्टर ओके इवन आफ्टर डिलीवरी ओके सो नाउ अ डेज प्रेजेंस ऑफ हाइमेन is not considered as a marker for क्या marker for virginity okay so आजकल उसको हम एक marker की तरह नहीं समझते हैं clear so that is the case तो इसीलिए ये आपका एक red point है now तो this is the two openings that you are finding in the vulva now तो इसका ग्लैंड आ जाएगा इधर नाउ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अब उसका मीनिंग समझ रहे हो इसका लोकेशन कहां होगा क्लोज टू द यूरेथ्रा है कि नहीं तो क्लोज समझ रहे हो यूरेथ्रल का मतलब क्या है तो क्लोज टू द यूरेथ्रा आर प्रेजेंट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो नोन एज बार्थोलिन्स ग्लैंड ओके क्लोज टू यूरेथ्रा आर प्रेजेंट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ओके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो नोन एज क्या बार्थोलिन्स ग्लैंड फुल स्टॉप These glands, okay, secrete alkaline mucus, okay, which helps to lubricate the female genitals during intercourse, okay, तो इसीलिए अगर एक female को आप एक्साइट करेंगे स्टिमुलेट करेंगे आपका बल्बो यूरेथ्रल सिक्रीशंस होगा एंड देयर विल बी अ व्हाट देयर विल बी अ लुब्रिकेटेड इंटरकोर्स अदरवाइज देयर विल बी पेनफुल इंटरकोर्स ठीक है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट चलिए तो ये आपका हो गया वल्वा एंड पुडेंडम के बारे में उसके बाद सेकेंड आ जाएंगे हम लोग बेसिकली वजाइना फाइन Now the second structure we'll discuss is vagina. So it is the genital opening of the female and it a receives the penis during intercourse. And it receives the penis during intercourse. And number two, it serves as the kya birth canal. Birth canal during delivery. Hai ki nahi? So it serves as the birth canal during delivery. So isliye bachcha wahan se bahar aayega. Theek hai ji? So like that. So इसीलिए so this is the concept. So madam ने actually she did a lot of survey and she found that a lot of heroines they have surrogate children. You know why? Because since they are very very concerned with their figures, so they don't want children through normal procedure. है कि नहीं? तो इसलिए they want children through surrogacy. कैसा है? So let the lady develop the child. Why should I lose my figure?
तो इसे लॉट ऑफ हीरोइंस लाइक शिल्पा शेट्टी आर के को योर हाँ शाहरुख शाहरुख खान के बच्चे एंड ऑल योर हीरोइंस हाँ सोहेल खान ऑल दोज थिंग्स, तो दे आर ऑल सरोगेट चिल्ड्रन, मैंने उनका नेचुरल बेबी मल्लिका अरोरा के जो दोनों बच्चे हैं दे आर ऑल सरोगेट चिल्ड्रन, मैंने दे डिड नॉट कम आउट थ्रू मदर्स ओपनिंग्स, तो दैट इज वाई योर मल्लिका अरोरा कैन हाँ हाँ हो जो भी हो, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, तो इसलिए अभी भी देखो कि जब उसके बच्चों का शादी करने का टाइम हो गया मल्लिका अरोरा इज एंजॉयिंग लाइफ विद व्हाट अर्जुन कपूर, तो दैट इज जस्ट अच्छा बिकॉज ऑफ सरोगेसी, सो दे डिड नॉट गिव बर्थ टू एनी चिल्ड्रन, सो दे आर स्ट्रक्चर्स आर फिट एंड फाइन, है कि नहीं, चलिए सो दैट इज द कंसेप्ट, तो इसलिए दिस इज द केस ऑफ वजाइना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट द वेजाइनल ओपनिंग, ओके द वेजाइनल ओपनिंग इवन दिस मैन के हमारे जो ये करण जौहर करण उसके भी करण दोनों जोहर हाँ उसके भी दोनों बच्चे जो है सारोगेसी के नहीं फराह खान हाँ फराह खान ऑल हाँ सारो सही सही सारो खैर खान हाँ सब सब वो कोई भी उनका नेचुरल आउटफिट चल खान को कोई फायदा नहीं हुआ, वो वैसे भी मोटी है, हाँ हाँ फिगर स्टिल थोड़ी ना मेंटेन कर पाए चलो स्टिल सो नाउ द वेजाइनल ओपनिंग लीड्स टू द वेजाइनल कैनाल विच हैज रफ वॉल्स नोन एज वेजाइनल रगे रगे ओके फ्रिक्शन ऑफ दी